आज हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे बीएन एंड वास्तु की। इसमें हम आगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने ये अलग अलग डायरेक्शन पढ़ी थी कि हमारे पास बेसिकली हम आठ डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं बीएन एंड वास्तु के अंदर। वो आठ डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद हमने बोला था ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और वैसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। ये हमारी आठ डायरेक्शंस हो जाती है बीएन एंड वास्तु की। जब हम बात करते हैं इस अगले चार्ट में, जो अगली स्लाइड में, इसमें डिग्री वाइज भी लिखा हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन कितनी से कितनी डिग्री तक होती है आपके घर में। हालांकि ये जब तक पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं आएगा, जब तक हाउस की ग्रेडिंग नहीं करा लेंगे, जैसे कि इस तरह से ग्रेडिंग हो रखी है इसमें, ये किसी का नक्शा हो सकता है घर का, उसमें सेंटर ऑफ द हाउस से ग्रेडिंग करा रखी है कि कौन सा एरिया कौन सी जगह पड़ रहा है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, इसका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, क्योंकि टॉयलेट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जा रहा है। तो इस तरह से जब तक आप हाउस की ग्रेडिंग नहीं कराएंगे, आर्किटेक्ट से, वास्तु स्पेशलिस्ट से, तब तक समझ नहीं आएगा कौन सा एरिया कहाँ पर। अच्छा, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव प्लैनेट्स। अलग अलग प्लैनेट जो है वो क्या क्या वास्तु की चीजें बताते हैं घर के अंदर और क्या देखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। सन जो नॉर्मल कारक है सन का, वो है सोल। सन सबसे बड़ा कारक है सक्सेस का। अगर सन डिस्टर्ब हुआ घर में, तो लोग जो उस घर में रहते हैं उनकी सक्सेस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। डेवलपमेंट के लिए नेम फेम, किसी का भी नेम फेम है, कोई गवर्नमेंट में जॉब चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, किसी भी कंपनी में वहां पर नेम फेम चाहता है, तो सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। ब्राइटनेस, सूर्य रोशनी देने वाला प्लैनेट है। पावर एंड हीट, ये सब सूर्य से देखा जाता है। रिलेशनशिप्स में फादर, हमारे जो पिता है, हम सूर्य से देखते हैं। मेल प्रोजेनी, जो हमारी पुत्र संतान है, वो सूर्य सिग्निफाई करता है। प्रोफेशंस क्या क्या होते हैं? किंग, अब आज की दुनिया में किंग तो कहां से मिलेगा, इस वजह से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एमएलए, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट कनेक्शंस, ये सब सूर्य बताता है। प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, जो भी ये सब फील्ड्स हैं, इसमें ये सूर्य बताता है प्रोफेशंस के नाम पर। वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन, जब भी हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन इज नेचुरली रूल्ड बाय सन, क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसीलिए सबसे पहली रोशनी जो है सूर्य की ईस्ट से निकलती है। इसलिए हमने कहा कि ईस्ट में सूर्य की दिशा को माना गया। कैपिटल सिटी, जैसे कि अगर आप इंडिया में रह रहे तो दिल्ली जो है वो सूर्य बताएगा। इसी तरह से अगर आप स्टेट की बात करेंगे, राजस्थान में रह रहे तो जयपुर है, मध्य प्रदेश में रह रहे तो भोपाल, तो जो कैपिटल सिटीज है वो सूर्य बताता है। मेन रोड को सूर्य बताता है कि आप एक मेन रोड के ऊपर आपका घर है, क्या आपके घर से निकलते ही मेन रोड मिल जाती, तो वो लोकेशन सूर्य की है। टेम्पल, क्योंकि सूर्य एक देव ग्रह है, पायस प्लैनेट है, टेम्पल को सिग्निफाई करता है। राइट साइड विंडोज, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर ये आपका घर है और ये मेन डोर है, तो मेन डोर से एक सीधी लाइन खींचेंगे और आप मेन डोर को फेस करते हुए खड़े होंगे। फिर जो आपके राइट साइड में पड़ेगा, जितनी भी विंडोज आ रही है यहाँ से यहाँ तक, वो सभी सन से द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और जो लेफ्ट साइड में आ रही है आपके, वो मून के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ख्याल रखने की बात यह है कि आपका मुंह घर के अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। आप घर के अंदर खड़े हैं, दरवाजे को देख रहे हैं, फिर जो राइट में पड़ेगा वो सब सन है। ठीक है, तो सूर्य की वास्तु में ये बच्ची चीजें बताता है। ऑरेंज कलर सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो आपने घर में जहां पर भी ऑरेंज कलर करा दिया, वो आपने सूर्य वहां पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जिस भी जगह आपने ऑरेंज कलर किया है, वो आपने सूर्य को क्रिएट कर दिया वहां पर। अब वहां पर और क्या है, वो कौन सी डायरेक्शन है, वो देखना होगा क्या कॉम्बिनेशन बन गया है। हेल्थ, हेल्थ के लिए व्हीट, व्हीट होता है गेहूं, वो भी सूर्य होता है। तो कहीं आपने गेहूं का बोरा रख दिया, आजकल तो कोई नहीं रखता, पुराने जमाने में 50-50 किलो की गेहूं के बोरे रखते थे घर में, तो वो देखना पड़ेगा आपने कहीं रख दिया, तो वहां आपने सन क्रिएट किया है। हेल्थ, हार्ट, हमारे जो हार्ट है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। हार्ट में किसी को इश्यूज, घर में जो है सूर्य की दिशा, मतलब ईस्ट के अंदर कुछ खराबी हो सकती है, या आपने सूर्य कहीं और क्रिएट कर रखा है अपने एनिमिकल प्लैनेट्स के साथ। राइट आई जो है वो सूर्य बताता है। ब्लाइंडनेस, कि अगर, क्योंकि आंखें सूर्य है तो आंखों से नहीं दिख रहा है, कैटरेक्ट है, कोई परेशानी, सूर्य खराब हो सकता है, मून खराब हो सकता है। प्रोजिनी बर्थ, क्योंकि सूर्य रूलर है नेचुरल फिफ्थ हाउस का, पांचवी राशि लियो जो है, सूर्य उसका लॉर्ड है और नेचुरल जोड़ियाक में फिफ्थ हाउस को रूल करती है लियो, तो प्रोजिनी का कारक, तो प्रोजिनी बच्चे होने में तकलीफ हो सकती है। एनिमिस कौन है इसके? वीनस। अगर हमने सन का कनेक्शन वीनस से बनाया घर में, तो परेशानी हो सकती है। सैटन से बनाया तो परेशानी हो सकती है, राहु से बनाया तो परेशानी हो सकती है। हालांकि ये अपना अपना कुछ अच्छा भी करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर मैं सूर्य का संबंध शनि से बनाऊंगा, तो हो सकता है वो व्यक्ति जिसके घर में मैं गया हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब में हो या उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो, क्योंकि सैटन का संबंध सूर्य से, गवर्नमेंट जॉब देगा। सैटर्न इज प्रोफेशन, सन इज गवर्नमेंट, पर हेल्थ इश्यूज टू द फादर भी मिलेगा।
ठीक है, हो सकता है फादर की कोई बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट अटैक उनको आया हो, ये सब चीजें भी देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ हार्ट का कारक है। वो संबंध कुछ अच्छा भी करता है कुछ बुरा भी करता है, और आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है इसीलिए आपने वो घर में वो सामान वहां पर रख दिया, ये सब बातें उगती। अच्छा इसको माउस का कर्सर खोल होता है। मून, हमने कहा दूसरा प्लैनेट मून है, मून पॉजिटिव प्लैनेट है माइंड का, आपका जो मन है वो मून है, मून कारक है ट्रेवल्स का और चेंजेस का, आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आएंगे, घर बदला, अपने शहर बदला, नौकरी बदली, बिजनेस करा, जॉब किया, जो भी बदलाव किया, अलग अलग 6 जॉब बदली, 7 जॉब बदली, कोई भी बदलाव मून से सिग्निफाई करता है। उसी तरह से माइंड जो है एक जगह नहीं ठहर सकता, माइंड हमेशा बदलता रहता है, एक विचार दूसरा विचार तीसरा विचार, इसी वजह से मून माइंड का कारक है। चीटिंग, लॉस, ब्लेम्स, ये मून से देखे जाते हैं, नुकसान जो है पैसे का, इमोशनल लॉस, ब्लेम्स, चीटिंग, फ्रॉड, मून बताता है। ब्लेम्स एक्सपेंडिचर खर्चा का कारक है मून, अडल्ट्री, क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स और एक्टिविटीज, इसका मतलब है इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप्स, वो मून बताता है, थीफ, न्यू न्यूज जो घर में चलती है, न्यूज मोशन, किसी भी जो चीज बह रही है चल रही है, जैसे कोई फाउंटेन आपने घर में लगा दिया इलेक्ट्रिक फाउंटेन, वो पानी बह रहा है फिर वो दोबारा रिपीट होता है, पानी बह जा रहा है उसमें, तो फाउंटेन क्या है, मून है। चेंजेस, चेंज ऑफ प्लेस, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर, कोल्ड वाटर, जो भी चीजें मूव कर सकती है, पानी है, मिल्क है, वो सब चीजें मून। आपने घर में पानी का घड़ा रख दिया जिसमें पानी बराबर, आपने मून क्रिएट किया है, वो मून है। जहां पर भी पानी है घर में, अब उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, जहां पर भी पानी है आपने अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, वो हर चीज मून है। ठीक है, रिलेशनशिप्स में क्या बताएगा, मदर, मून आपकी मदर है, मून आपकी मदर इन लॉ भी है। कोई कहता है मेरी सासू माँ से ठीक नहीं बनती, मून का संबंध या तो वीनस से बन रहा होगा, मून का संबंध मार्स से बन रहा होगा, आपके घर में भी हो सकता है, आपकी कुंडली में भी हो सकता है, अगर घर में है तो कुंडली में भी होगा, वाइस वर्सा, कुंडली में है तो घर में भी वो सामान आपने साथ में रख दिया होगा, कि आपने किचन के अंदर जहां पे गैस बर्नर रखा है उसी के पास में घड़ा रख दिया, तो गैस बर्नर मंगल है, मून पानी, अब घर में लड़ाई होगी, होगी ना। थर्ड वाइफ मून से देखी जाती है, फर्स्ट वाइफ इज वीनस, सेकेंड वाइफ इज मर्क्यूरी, थर्ड वाइफ इज मून, फीमेल प्लैनेट पार्वती माता को सिग्निफाई करता है। अच्छा, अब हमने कहा प्रोफेशंस मिलके क्या है, जो भी लिक्विड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचता है, तो ये सब काम जो है, कोई जूस की दुकान है, वो मून से देखी जाती है। ट्रैवलिंग बिजनेस, टूर्स एंड ट्रैवल पूरा बिजनेस आप बुक करा के देते हैं किसी को, पैकेज, यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ पर रुकोगे वापस आओगे, वो मून से देखा जाता है। फूड, बेकरी की दुकान से लेकर के रेस्टोरेंट से लेकर के होटल, कुछ भी जहाँ खाना होता हो वो मून है। एग्रीकल्चर बिजनेस, राइटिंग पोएट्री और स्टोरीज, जो भी फाइन आर्ट कला वाली चीजें हैं जिसमें क्रिएटिव वर्क इन्वॉल्व होता है, मून दिखा सकता है, मून इज नेचुरल टैलेंट। ग्रोसरी शॉप, जहाँ पे खाना ये सामान दाल चीनी आटा दाल मिलता है, ये सब मून से देखा जाता है। मेडिकल शॉप, मून केतु, वीनस भी आना चाहिए, हालांकि मेडिकल शॉप में फाइन आर्ट्स की कोई चीज मून बता सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये सब चीजें मून बताएगा। बाहर जाकर के पढ़ाई करना, बाहर दूसरे शहर में जाकर काम करना, वो भी मून बताएगा। कोई भी काम करो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके कर रहे हो, मून है। वास्तु में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है मून द्वारा रूल की जाती है। उसके बाद काउ शेड, पुराने जमाने में गाय रखते थे, गाय पालते थे, तो वो जो जगह है वो मून है। लेफ्ट साइड विंडोज ऑफ हाउस, अभी मैंने बताया कि अगर ये आपका हाउस है, ये इसका मेन गेट है, मेन गेट से एक सीधी लाइन खींचेंगे, आप मेन गेट को फेस करते हुए खड़े होंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे विंडोज पड़ेंगी वो सब मून है। इसकी जो फर्स्ट विंडो, ये फर्स्ट डॉटर, सेकेंड डॉटर, थर्ड डॉटर, इसी तरह से ये मदर को सिग्निफाई करते हैं। वॉटरी प्लेसेस लाइक सी, जो समुद्र है, या आपके घर के आसपास कोई लेक है, तालाब है, घर में आपने अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है जहां से ऊपर टंकी में पानी चढ़ता है, तो वो भी मून है। वेल, वेल का मतलब ये हो गया कुआ, तो कहां से लाएंगे। वॉटर लेक, जो लेक होती है वो मून राहु होता है, वेल भी, कुआ भी मून राहु होता है। रिवर, वास्तु में क्या क्या चीजें मून बताता है, रिवर, कुमकुम, सिंदूर जो है वो मून से देखा जाता है। लिक्विड आर्टिकल्स, कोई भी लिक्विड आर्टिकल्स, पानी है, दूध है, ये सब मून है। जब तक तो उबला हुआ नहीं है दूध, वो मून है, उबाल देंगे तो मून प्लस मार्स हो जाता है। ठीक है, फूड आर्टिकल्स, रेन, ड्रेनेज वाटर, मून प्लस केतु, डर्टी वाटर, सैटर्न प्लस, ये सब चीजें बताता है मून। मून का अगर आप कलर बोलेंगे तो हो सकता है कि वो ब्लू कलर को सिग्निफाई करे या व्हाइट कलर को सिग्निफाई करे। ठीक, हेल्थ, हेल्थ इश्यूज में ब्रेस्ट में कोई तकलीफ किसी की आ रही है, ब्रेस्ट कैंसर है, गांठ हो गई है, लम्प्स हो गए हैं, वो सब चीजें, स्टमक, स्टमक में इश्यूज, यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज,
लेफ्ट पार्ट ऑफ चिन, लेफ्ट पार्ट ऑफ चिन में इश्यूज, लेफ्ट आई वीक, लेफ्ट आई भड़कना, लेफ्ट आई में कमजोरी, जो भी चीजें हैं, कैटरेक्ट होना, वो सब मून से बताया। एनिमीज क्या है, चेस्ट एरिया में पूरा प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस में तकलीफ, सब मून बताता है। चेस्ट का एरिया मून सिग्निफाई करता है। एनिमीज कौन है, वीनस, केतु, राहु। तो मून का संबंध वीनस के साथ होना, किचन में पानी रख दिया आपने, थोड़ा बहुत ठीक है, 5-10 लीटर, ज्यादा रख देंगे तो वो तकलीफ दे। केतु मून के साथ, केतु इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है हालांकि मून केतु, पर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन, घर में चिंता माहौल, लड़ाई से करा सकते हैं। राहु के साथ मून इल्यूजन्स देगा, डे ड्रीमिंग देगा, घर में पैरानॉर्मल एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, मार्स, हमने कहा मार्स क्या है, तीसरा प्लेनेट है हमारा, देह कारक, देह कारक मतलब आपकी जो बॉडी है वो मार्स, ब्लड मार्स, एंगर है, ईगो है, एग्रेसिवनेस, कोई गुस्सा करता है वो मंगल है, इंपल्सिवनेस, पावर, एनर्जी, एडमेंसी, अड़ रहता है ना एक बात, सब स्टबन है, एडमेंसी का यहाँ मतलब स्टबननेस, यही सही है, डिस्प्यूट्स, राइवलरी, एक्सीडेंट्स, ये सब मंगल है। ठीक है, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड, हमारे जो फर्स्ट हस्बैंड है फीमेल चार्ट में मंगल से देखते हैं, सेकंड हस्बैंड सैटर्न, थर्ड हस्बैंड सॉरी सेकंड हस्बैंड जुपिटर, थर्ड हस्बैंड सैटर्न, फर्स्ट हस्बैंड इज ऑलवेज मार्स, यंगर ब्रदर है, छोटा भाई मंगल से देखा जाता है, भाई सिबलिंग मार्स दिखाया। ठीक है, कोई मेल फ्रेंड है बहुत क्लोज है आपको, वो भी मार्स। प्रोफेशन टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है, मशीनरी से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है, मंगल है। टेक्नोलॉजी इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर है वो मंगल है। मशीनरीज, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, स्पोर्ट्समैन, एथलीट है, भागता है, मंगल है। क्रिकेट खेलता है, मार्स। जो भी स्पोर्ट में है, एथलीटिज्म है, एनर्जी चाहिए जिस काम को करने के लिए, एक वर्कलोड है, भागना पड़ेगा आपको, कुछ करना पड़ेगा, तेज बॉल डालनी है, बैटिंग करनी है, वो सब चीजें मार्स की काम। आर्मी में भी आपने लगे रहना है। जूनियर लीडर, सर्जन, मार्स एक कटिंग टूल, मार्स इज अ कटिंग टूल, तो कोई बार बार हो, चाहे वो सर्जन जो कांच कैंची से काट रहा है, कोई चाकू से काट रहा है, वो सब मंगल का काम करते हैं। कल्टीवेशन, हार्डवेयर स्टोर जहां पर बेचते कीले वगैरह, वो मंगल है। कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी जनरेशन प्लांट्स, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं, जैसे विंड मिल होती है, वो सब मार्स। इलेक्ट्रिसिटी, जिम, योगा टीचर, स्पोर्ट पर्सन और कोच, प्लेयर ऑफ एनी गेम व्हाट्सो एवर इट इज, बी पैड मतलब वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन गया, स्कूल में जाके पीटी कराता है बच्चों, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता है, मंगल का काम करता है। डेंटिस्ट, मार्स। हेल्थ, आईब्रोज जो है आपकी मार्स दिखाता है, तो आईब्रो पे कोई कट का निशान होना, आईब्रो में आपस में अलग अलग चीजें, वो मार्स बताता है। टीथ, आपके दांत मंगल है, ब्लड है मार्स। कार्डियक रीजन मतलब हार्ट से संबंधित, जो हार्ट के आसपास के मसल्स हैं, आर्टरीज, मंगल बता सकता है, मंगल लाल है इसी वजह से। सीमन, मेल चार्ट में सीमन का कारक होता है, स्पर्म का कारक वीनस होता है, सीमन मार्स बताता है। सीमन इज द इट इट कंस्टिट्यूट ऑफ वाइटल फ्लूइड्स ऑन ऑल स्पर्म्स एंड ऑल। ठीक है, बोन मैरो मार्स है, ब्रिज ऑफ द नोज, नाक के बीच में जो ब्रिज है, जो दोनों नॉस्ट्रल्स कनेक्ट करता है, वो मार्स। वास्तु में साउथ डायरेक्शन, जब भी हम साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं, वो मंगल वाला रूल की जाती है। हमने कहा साउथ डायरेक्शन इज मार्स, कलर ऑफ मार्स इज रेड, तो जहां पर भी आपने घर में लाल कलर कर दिया, आपने वहां पे मंगल क्रिएट किया, कहीं पर भी कर दिया, लाल रंग आपने जहां कर दिया, आपने वहां मंगल क्रिएट किया। लाल मतलब लाल, पिंक विंक नहीं, पूरा लाल, चकत्ता, ब्लड रेड, वो मार्स। किचन, किचन इज मार्स, किचन इज वीनस प्लस मार्स, एक्चुअली वीनस इज द किचन, जहां पर फीमेल एक काम करती है, वो वीनस है, जहां पर गैस बर्नर लगा रखा है आपने, आग जलती, वो मंगल है। मार्स इज एग्जॉल्टेड इन किचन, जहां पर आग जलती है वो एग्जॉल्टेड है मार्स, किचन में मार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा। ओवन, ओवन जिसमें आप बाटी वगैरह बनाते हैं, वो, या माइक्रोवेव ओवन भी, वो मार्स। फायर, इंडिया में तो बहुत कम होती है क्योंकि गर्मी रहती है, विदेशों में फायर प्लेस होती है, लकड़ी जलती रहती है लगातार, तो वो मार्स। ऑल इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपने किचन में एसेसरीज, चाहे वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैस आ रही है, तो वो सब चीजें मार्स। एनर्जी मीटर, जो आपने घर में पावर मीटर लगा हुआ, जिससे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर, मीटर बोर्ड्स, जनरेटर्स, इन्वर्टर्स, ये सब मार्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स, पानी जैसे चढ़ता है ऊपर, हीटर्स, स्टोन्स, स्टोन पिलर्स, बीम्स एंड कॉलम्स ऑफ द हाउस, दीज आर ऑल आर मार्स। बैट, क्रिकेट वाला बैट, विकेट,
मिनरल्स, नाइफ, चाक, हर पॉइंटेड चीज, पैनी चीज, मंगल, चाकू रख के कई लोग सोते हैं अपने रात में, मंगल है, स्पीयर्स, बुलेट्स, एनिमी, हार्ड सब्सटेंस, कोई भी चीज मजबूत है, जो जैसे हमारे दांत होते हैं उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनेमल हमारी बॉडी का, वो दांतों में होता है, इसलिए कहते हैं दांत मंगल, मंगल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है। किसी का मार्स कैप्रिकॉर्न में उसके घुटने बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि मार्स स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सिजर्स, कैंचिया, मंगल है, इसलिए बोलते हैं कैंची मत चलाओ, मंगल मतलब लड़ाई, मंगल रिप्रेजेंट करता है कैंची, इसलिए नाई जो है मंगल है, टेलर मंगल है जो कपड़े सिलता है। ट्रायंगुलर शेप, कोई भी ट्रायंगुलर शेप कोई चीज आपने घर में कहीं लगा दी, वो मंगल आपने वहां क्रिएट किया। आपने ये ट्रायंगल उठा करके नॉर्थ में लगा दिया, खराब हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है पानी को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ, ये मंगल है, आग है। फायर की शेप भी तो ट्रायंगुलर ही होती है, जब आग जलती है तो ट्रायंगल सी शेप लेती है, तो ट्रायंगुलर शेप इज मार्स। आपने जहां पर भी लगाए ट्रायंगुलर शेप घर के अंदर, किसी के घर में ट्रायंगुलर घड़ी हो सकती है, ट्रायंगुलर वॉल फ्रेम हो सकता है जिसपे आपने सामान रख दिया, ऐसे दो धागे लगे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे सामान आपने रख दिया, भी ट्रायंगल बना दिया, ये मंगल है। ठीक है, नीडल, सुई जो है वो मार्स होती है, जिससे कपड़े सिलते हैं। थॉर्न, कांटा, कांटे वाले पेड़, इसलिए मना किया जाता है घर में कांटे वाले पेड़ ना रखें, मंगल। केतु है, एरो, तीर कमान, वेपन्स, कई लोग घर में जान करके लगा देते हैं बंदूकों की, वो पेंटिंग से लगा देंगे जिसमें बंदूक की लगी हुई आर्टिफिशियल, मंगल है। कहाँ लगाइए वो देखना है, साउथ में लगाइए ठीक, नॉर्थ में लगाइए वो खराब करेगा। एनिमीज कौन है, मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु, मतलब इन जगहों पर अगर आपने मार्स क्रिएट किया है या मार्स की जगहों पर ये लोग हैं, साउथ के अंदर मर्क्यूरी की चीज है, सैटर्न की चीज है, राहु की चीज है, तो वो परेशान करेगा। ठीक है, तो कार्डियक रीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, गिरते पड़ते रह सकते हैं, चोट लग जाएगी बार बार, ये सब चीजें होंगी। नहीं, रजनी जी, चिमनी होता है केतु, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, चिमनी इस केतु, जो भी चीजें धुएं को, क्योंकि धुआं राहु है उसको जो निकाल देगा वो केतु है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है, इंटेलेक्ट, आपकी जो बुद्धि है वो मर्क्यूरी है, आम कितने समझदार है मर्क्यूरी बताता है, सपोर्ट, फ्रेंड्स है ना मर्क्यूरी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नेबर्स, फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स, ये तो सपोर्ट है हमारा, इनको हटा दे हमारे जीवन से सपोर्ट क्या रहेगा, वो सपोर्ट हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स ही है, और वो मर्क्यूरी है। नॉलेज, एजुकेशन, बिजनेस, कारक है भाई, एजुकेशन के लिए हम जब भी देखते हैं बीएलएन में मर्क्यूरी से देखते हैं, इसी तरह से बिजनेस भी देखते हैं मर्क्यूरी से देखते हैं। रजिस्ट्रेशन, किसी मकान की रजिस्ट्री करानी है, किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराना है, वो मर्क्यूरी है। स्पीच, हमारी बोलने का तरीका, बोलना, एलोकेंस, एक्टिविटी, थॉट्स, ट्रिक्स, डिप्लोमेसी, कनिंगनेस, सॉफ्ट थिंग्स, चालाकी, मर्क्यूरी देता है, ज्यादा हार्श प्लैनेट नहीं है मार्स जैसे, सॉफ्ट थिंग्स बताता है, डायरेक्शन होती है इसकी, चलो आ ही जाएगा। रिलेशंस, यंगेस्ट ब्रदर और सिस्टर, सबसे छोटा जो भाई या बहन है आपका वो मर्क्यूरी। मैटरनल अंकल, मामा जी, मर्क्यूरी दिखाता है। फादर इन लॉ, हालांकि बीएनएन ये बोलता है फादर इन लॉ मर्क्यूरी से देखा जाना चाहिए, मैंने ये पाया है सन ज्यादा अच्छे आंसर देता है फादर इन लॉ के। फ्रेंड्स, बॉय और गर्ल फ्रेंड्स, मर्क्यूरी बताता है। सेकेंड वाइफ इन अ मेल चार्ट, कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन मतलब होता है सौतन, हमने अभी पिछली क्लास में देखा था आपको जो पढ़ा रहा था, दो नंबर राशि मान लो लिखा हुआ है जुपिटर और मर्क्यूरी, और तीन नंबर राशि में लिखा हुआ है वीनस, एक्सचेंज हो गया ना कल मर्क्यूरी और वीनस का, टॉरस के अंदर जुपिटर मर्क्यूरी है, जेमिनाई में वीनस, अब मर्क्यूरी इज द सेकेंड वाइफ, वीनस इज द फर्स्ट वाइफ, एक्सचेंज मतलब एक गई दूसरी आई, सौतन हो सकती है, तो सौतन इज मर्क्यूरी। प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता था, बिजनेस कोई आदमी करता है तो मर्क्यूरी से देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर मर्क्यूरी है, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम, फिलोसफी, डिप्लोमेसी, एस्ट्रोलॉजी, ऑल दो द बेसिक कारक इज केतु फॉर एस्ट्रोलॉजी, फिर भी जुपिटर मर्क्यूरी का संबंध में काफी लोग आपको ज्योतिष की तरफ रुझान वाले मिल जाएंगे, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, मर्क्यूरी बताते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर क्योंकि एजुकेशन का कारक, रिसर्च वर्कर, इंजीनियर, बुक पब्लिशर, बुक बाइंडिंग करने वाले, बुक बेचने वाले, सब मर्क्यूरी, बुक स्टोर, अकाउंटेंट, जिन्होंने बी कॉम किया है अकाउंटेंट बन गए, कैशियर बन गए, उनकी कुंडली में मर्क्यूरी मार्स मिल जाता है साथ में। ठीक है, ऑडिटर, पोएट, राइटर, कॉमेडियन, एक्टर, एस्ट्रोलॉजर, लॉयर, पेंटर, कॉरेस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब चीजें मर्क्यूरी, कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करता है, फोन पे बात कर करके क्लाइंट्स
इकट्ठे करता है, सेल्स में है वो मर्क्यूरी। हेल्थ इश्यूज में हैंड्स एंड शोल्डर्स, आपके जो हैंड्स एंड शोल्डर्स हैं, चाहे वो कॉलर बोन में तकलीफ हो, कार्पल टनल सिंड्रोम, रिस्ट में तकलीफ हो, फिंगर्स में तकलीफ हो, अर्थराइटिस हो, हाथ और पैरों में दर्द, हाथ में दर्द रहता हो, फ्रोजन शोल्डर हो, कंधे और हाथ जो है आपके मर्क्यूरी दिखाता है। फिंगर्स जो आपकी हाथों की उंगलियां, क्योंकि राइटिंग स्किल्स को सिग्निफाई करता है, इस वजह से मर्क्यूरी लिखना है ना, तो उंगलियों से लिखा जाता है, किसी की उंगलियां मजबूत है मर्क्यूरी, ड्रॉइंग अच्छी मर्क्यूरी। नेक, नेक वाला इलाका, फोरहेड, आपके जो माथा है बालों के नीचे, वो मर्क्यूरी। टंग, स्टैमरिंग, कोई हकलाता है मर्क्यूरी की वजह से होता, मर्क्यूरी खराब हो गया। वोकल कॉर्ड में तकलीफ, थ्रोट, किसी को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, बोलने की तकलीफ है, मर्क्यूरी की तकलीफ है। थायराइड ग्लैंड, मर्क्यूरी सिग्निफाई कर। वास्तु में विजिटर हॉल, जहाँ पर भी सोफा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे सोफा आपने लगा दिया एक, यहाँ पे सोफा लगाया, बीच में सेंटर टेबल लगी हुई, लोग आके बैठते हैं, बातें करते हैं, वो जगह मर्क्यूरी है। स्टडी रूम, जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है, बैठ के पढ़ रहे हैं, मर्क्यूरी। बालकनी, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर घूम सकते हैं, बालकनी चाहे फर्स्ट फ्लोर की हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर की हो, बाहर आपने घास लगा रखी है, उस पर चार कुर्सी लगा रखी है, वो मर्क्यूरी। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, दीवार पर जो प्लास्टर है, स्मूथ वॉल्स होती है, प्लास्टर की भी वॉल एकदम पेंट हुआ हुआ चकाचक, मर्क्यूरी। पैराफेट वॉल, पैराफेट छज्जे को कहते हैं, कि छत, आपका घर इतना सा है, आपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा आगे और निकाल लिया, मेन रोड पे निकाल दिया थोड़ा सा, तो वो पैराफिट होता है छज्जा, मर्क्यूरी। गार्डन, पार्क, ग्रीन पैड्स, ग्रीन कटिंग्स, मतलब आपने जहाँ पेड़ पौधे लगाए वो जगह मर्क्यूरी। एजुकेशन, ब्यूटी, क्रॉप्स, लीव्स, सॉइल, लैंड, मड पॉट्स, जहां पर भी आपने ग्रीन कलर किया, आपने मर्क्यूरी को क्रिएट किया है, जहां पर भी ग्रीन कलर कर दिया वो मर्क्यूरी को क्रिएट करना हुआ। ओके, एनिमीज क्या है, मून, मार्स, केतु, अगर मर्क्यूरी के साथ जुड़ेगा तो तकलीफ हो सकती है, मून के साथ जुड़ेगा अपने अपने अलग अलग रिजल्ट होते हैं, हो सकता है पढ़ाई के लिए बाहर चले जाए, मर्क्यूरी मून का जुड़ना, चीटिंग हो जाए इनके साथ में, बिजनेस में लॉस हो जाए, इसी तरह से मून मर्क्यूरी मार्स का जुड़ना, एजुकेशन में ब्रेक आ जाए, या टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, कुछ भी खराब और अच्छा नहीं होता, हमें देखना होगा हुआ क्या है। मर्क्यूरी केतु के साथ जुड़ जाए, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान हो, फिर से पढ़ाई छूट जाए, बिजनेस में लॉसेस हो सकता है, या केतु से रिलेटेड काम करता है, जूतों की दुकान होती। हाँ जी रंजीश जी, बालकनी अपने आप में मर्क्यूरी है, उसमें पेड़ भी लगाएंगे वो भी मर्क्यूरी है। सज्जन लाल जी, आई एम सेइंग सो विद एवरी प्लैनेट, जैसे मार्स का मैंने लाल बोला था, मून का नीला बोला था, सन का ऑरेंज बोला था, और इसका भी बोल दिया मैंने, ग्रीन लिखता रहो। जुपिटर, जुपिटर जो है जीव कारक है, तो जिस व्यक्ति की हम चार्ट देख रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो खुद ही जुपिटर है। जब हम जीव की बात करते हैं, चाहे वो मेल चार्ट हो फीमेल चार्ट हो, जीव हमेशा जुपिटर ही रहेगा, जिस भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर प्राण है, वो व्यक्ति खुद ही जुपिटर है। डेवलपमेंट है किसी भी चीज का, ग्रो होना, हमने कहा जुपिटर एक एयरी प्लैनेट है, एक्सपैंड करता है, बड़ा होता रहता है, तो किसी भी चीज की ग्रोथ, चाहे वो बिजनेस की ग्रोथ हो, चाहे एक छोटे बच्चे से बड़ा हो रहा है उसकी ग्रोथ हो, पेड़ की ग्रोथ हो, हर चीज जो ग्रो करती है वो जुपिटर, इसलिए जीव है, क्योंकि लिविंग थिंग्स ही ग्रो कर सकती है, जीव जीवित होने का एक पैरामीटर है ग्रोथ, जो चीज ग्रो कर रही है वो जीवित हो सकती है, वरना तो वो स्टैग्नेंट होगी, टेबल कभी ग्रो नहीं करती। रेस्पेक्ट, किसी का रेस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, समाज में लोग उसको जानते हैं, आदर करते हैं, वो मिलेगा तो नमस्ते करेंगे, तो वो जुपिटर से आती है। डिविनिटी, एक डिवाइन ग्रेस, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, पेशेंस, शांति, ठहराव, हर चीज में जुपिटर बताता है। रिलेशनशिप्स, जीव कारक मतलब आप खुद ही जुपिटर है, टीचर जो आपके गुरु हैं, और प्रीचर मतलब जो कोई पंडित है वो कथा सुनाता है, कथावाचक जुपिटर है। प्रोफेशंस में प्रीचर, टीचर, मेंटोर, गाइड, टीचर, प्रेजेंटर, ट्रेनर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर, जज, डॉक्टर, डॉक्टर के लिए खैर मुझे जुपिटर प्लस वीनस चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल पर्सन, ये सब चीज। हेल्थ में नोज, आपकी जो नाक का इलाका है वो जुपिटर, नाक कैसी, जुपिटर की जैसी पोजिशन वैसी। फैट, आपकी जो बेली फैट है, इन जनरल जो फैट है वो जुपिटर बताता है, बेली फैट, थाई, थाई एरिया को जुपिटर सिग्निफाई करता है, घुटनों से ऊपर का इलाका, पैरों, थाइस, लेग्स, फीट, फ्लश, ये सब चीजें जुपिटर बताते हैं। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है जुपिटर से देखी जाती है। पूजा रूम, जहां पर भी आपने पूजा रूम घर में बनाया, आपने वहां जुपिटर क्रिएट किया, हो सकता है आपका पूजा रूम साउथ में, वहां पे आपने जुपिटर क्रिएट किया, तो साउथ में पूजा रूम का मतलब है, साउथ होती है मार्स डायरेक्शन,
और जुपिटर पूजा रूम है, तो आपने पूजा रूम साउथ बनाया तो जुपिटर प्लस मार्स बना दिया। अब जुपिटर प्लस मार्स क्या होगा, टक्कर वक्कर लग सकती है आपको, चोट लग सकती है, ठीक है। वेदास, वेदास मतलब आपने वैदिक किताबें घर में रखी हुई, गीता रखी हुई, रामायण रखी हुई, वो सब जुपिटर है। टेम्पल्स आपके घर के आसपास है, घर का टेम्पल, एंडोमेंट डिपार्टमेंट, हनी, शहद जो है, शहद हालांकि सूर्य बताता है, मंगल बताता है, जुपिटर में लिखा है घी, जो घी भी जुपिटर बताएगा, डिवाइन काउ जो गाय है, पेंटिंग्स और पोर्ट्रेल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, जहां पर भी आपने देवी की देवता की तस्वीर लगा दी वो जुपिटर क्रिएट किया, किसी कमरे में पूजा रूम के अलावा आपने कोई देवी की तस्वीर लगा दी तो वहां पे आपने जुपिटर को क्रिएट किया, हनुमान जी की तस्वीर लगा दी, किसी की तस्वीर लगाई, अब ये अलग अलग देवता भी अलग अलग प्लैनेट बताएंगे, हनुमान जी की लगाई तो मंगल आपने क्रिएट किया, गणेश जी की लगाई तो केतु क्रिएट किया। एनिमीज एस सच कोई एनिमी नहीं, सभी प्लैनेट्स के साथ ठीक ठाक रिलेशनशिप है जुपिटर, राहु के साथ आप कह सकते हैं, पर जुपिटर राहु अपने आप में राजयोग है, हेल्थ इश्यूज देता है जुपिटर मार्स जुपिटर राहु, वरना किसी भी प्लैनेट के साथ बहुत खराब रिलेशनशिप है नहीं जुपिटर। हमने कहा वीनस, वीनस क्या क्या बताता है, जुपिटर का कलर होता है येलो, तो आपने घर में जहां पर भी पीला रंग कराया आपने जुपिटर क्रिएट किया है, जुपिटर मतलब स्पेस, कहीं पर भी जहां पर आप पीला रंग कर देंगे वहां पे आपने थोड़ी सी स्पेस दी, ठीक है। आप देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइट हो रही है, आपने वहां पे जुपिटर को क्रिएट किया है, उनके बीच में स्पेस आएगी, हर रिलेशनशिप में हर चीज के अंदर बीच में स्पेस चाहिए, लोग कहते हैं ना स्पेस चाहिए मुझे अपना, तो स्पेस का क्या मतलब है, जुपिटर जहां पर भी आपने स्पेस क्रिएट करना है आप जुपिटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जुपिटर का मतलब स्पेस क्रिएट किया। ये किचन में आपने देखा कि यहाँ पे गैस बर्नर पड़ा हुआ है, ये मंगल है, और यहाँ पे घड़ा रखा हुआ है पानी का, ये मून है, ये मून है, ये मार्स है। अब घर में लड़ाई हो रही है सास बहू में, हमने यहाँ पर एक पीली लाइन खींच दी, पीली पट्टी लगा दी, टाइल लगा दी, हमने इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट किया, जुपिटर क्रिएट कर दिया, जुपिटर क्रिएट करने से बीच में स्पेस आ गया, जुपिटर सिग्निफाई स्पेस एलिमेंट, तो ये चीजें सेपरेट हो गई, ठीक। जुपिटर मतलब स्पेस आपने क्रिएट किया, सभी लोग बोलते हैं मेरे को स्पेस चाहिए, अपने स्पेस चाहिए, वो क्या है जुपिटर तो है, सब लोग चाहते क्या है, स्पेस चाहिए, शांति चाहिए, हमने यहाँ बोला था पेशेंस, सब कुछ चाहिए, ये जुपिटर है, जहां पर भी जुपिटर क्रिएट करोगे वहां पर शांति हो जाएगी। वीनस, वीनस क्या है, देह कारका फॉर वुमेन, वुमेन की जो एक्सटर्नल क्वालिटीज है, बोलती कैसी है, चलती कैसी है, देखती कैसी है, वो बताने के लिए वीनस बता सकता है, उनके हेल्थ इश्यूज को भी सिग्निफाई कर सकता है वीनस, फीमेल चार्ट के अंदर खुद के लिए, जीव नहीं बनेगा वीनस, वीनस उसकी बॉडी बता सकता है, उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हाँ वो वीनस। लग्जरीज, आपके घर में सोफा है, टीवी है, एसी है, जो भी लग्जरीज का सामान आता है वो सब वीनस, आप बड़ी बड़ी शो पीस की पेंटिंग लिया 50-50 हज़ार रुपए की, वो सब वीनस। प्लेजर, खुशी जिससे मिलती है वो वीनस, मनी वेल्थ ये सब वीनस, फाइनेंसेस ज्वेलरी सब वीनस, बैंकिंग मैरिज शादी यहाँ पर वाइफ वीनस, ठीक है। असेट्स, आपके जो भी असेट्स हैं वो शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कैश हो सकता है, बैंक एफडीज हो सकती है, वो सब वीनस। व्हीकल्स, जो भी गाड़ी आपके पास है, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब वीनस। हाउस, जिस घर में आप रहते हैं वो वीनस, ठीक है। रिलेशनशिप्स में वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ है वो वीनस से देखी जाती है, सेकेंड वाइफ मर्क्यूरी, थर्ड वाइफ मून, यंगर सिस्टर छोटी बहन, डॉटर डॉटर इन लॉ बहू वीनस बता। प्रोफेशंस में फाइनेंस, कोई बैंक में काम करता हूँ, मनी लैंडिंग बोरोइंग पैसे देना, उधार पे चढ़ा देना, ब्याज पे पैसे खाना, वो सब वीनस। वाइन शॉप, वाइन शॉप किसी की कैटल फील्ड हो, गौशाला हो, वहां पे काम करता हूँ। क्लोथ मर्चेंट, कपड़ों का व्यापारी, कपड़ों की दुकान, फैशन डिजाइनिंग, लव पोएट्री, फ्लावर, सेक्सुअल एक्टिविटी को वीनस सिग्निफाई करता है। मार्स और वीनस सिग्निफाई करते हैं, मार्स इज मेल सेक्सुअल एनर्जी, वीनस इज फीमेल सेक्सुअल एनर्जी। हेल्थ में सीमन, सीमन ज्यादा स्पर्म लिखेंगे मेल चार्ट के लिए, यूट्रस ओवरीज इसको सिग्निफाई करता है वीनस, डायबिटीज क्योंकि वीनस खाने को भी रिप्रेजेंट करेगा, मून और वीनस दोनों कहीं ना कहीं, किडनीज, चीक्स, यूरिनरी ट्रैक को मून और वीनस रिप्रेजेंट करते हैं, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है तो मून वीनस के तो मिल जाता है उनके। राइट साइड ऑफ चेन, राइट साइड ऑफ चेन में तकलीफ ये हो सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ चेन के लिए हमने मून बोला था, राइट साइड ऑफ चेन के लिए वीनस। वास्तु, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वीनस रिप्रेजेंट करता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज वीनस।
ठीक है, बेडरूम जहां पर भी है, बेडरूम इज वीनस, बेडरूम इज मार्स प्लस वीनस एक्चुअली। जहां पर आपने बेड लगाया है, जहां पर लोग सोते हैं, वो बेड वीनस, बेड इज वीनस। कहीं पर पलंग लगाया आपने, वो वीनस। ठीक है, बेडरूम में मार्स और वीनस एनर्जी होती है, इसी तरह से किचन में भी होती है। किचन में वीनस डोमिनेंट है, बेडरूम में मार्स थोड़ा सा डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसलिए फीमेल एनर्जी ज्यादा होती है किचन में। वीनस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, इसलिए कहा जाता है साउथ ईस्ट में किचन बनाओ। वीनस प्रोमिनेंट एनर्जी है किचन, किचन में फीमेल की ज्यादा चलती है, मेरे को कुछ नहीं पता। बेडरूम में एक मेल एनर्जी थोड़ी सी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। अच्छा कहाँ था, बेडरूम म्यूजिक, गाना चलता रहता है, बजता रहता है, रेडियो है, वो सब वीनस। सेंट परफ्यूम्स वीनस, स्वेट स्वीट मिठाइयाँ, इंटॉक्सिकेंट्स जो आपकी शरीर से गंदगी को निकाल देंगे, इस तरह की चीजें, वो वीनस। डांस, एक्टिंग, फैंसी स्टोर्स, डांसिंग बॉल और हॉल, सिनेमा थिएटर, ये सब चीजें वीनस। जहां पर एंटरटेनमेंट होता हो वो सब जगह वीनस। सोफा वगैरह अपने आप में वीनस। वास्तु में हॉस्पिटल, कॉट, बेड, कॉट मतलब वो पालना, बच्चे का पालना, कॉट कहते हैं उसे। मैट, बेड और मैट, चटाई हो चाहे पलंग हो जिसपे लोग सो सकते हैं, वो क्या है, वीनस। क्लोथ्स, ड्रेसिंग टेबल, डेस्क, सोफा सेट, फ्लावर वेस, कैंडलियर, पैलक्विन, पिलो, बेडशीट, कॉस्मेटिक्स, मिरर, शोकेस, ज्वेलरी बॉक्स, मनी वॉल्ट, अलमीरा, जहां पर भी पैसा रखेंगे, कपड़े रखेंगे, कपड़े क्योंकि पैसा वीनस है तो वो सब जगह वीनस हो जाएगा। फैंसी स्टोर, परफ्यूम जहां रखेंगे वो सब वीनस। एनिमीज सन, मून, केतु। सन मून के साथ आप वीनस का संबंध बनाओ, पैसे तो मिल जाएंगे पर फिर चाइल्ड बर्थ में हो सकता है प्रॉब्लम आ सके, क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाए। उसी तरह से मून वीनस के साथ भी ऐसा हो सकता है, पैसा पानी की जैसे बह जाए। वीनस केतु में सोचना होगा काम क्या करता है, तीन बैंक अकाउंट हो सकते हैं उसके। वीनस केतु, उस घर को बेचना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई करा सकता है, वीनस केतु कॉम्बिनेशन सबसे चीज है। इसका माउस कहाँ चला जाता है, सैटर्न। हमने कहा शनि क्या क्या बताता है, शनि इस कर्म कारक का, तो आपका प्रोफेशन है वो शनि। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, हम शनि से देखते हैं। सेकंड हस्बैंड फीमेल चार्ट में, वर्क, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, स्लोनेस, डिलेज, टालना इस चीज को, प्रोक्रेस्टिनेशन, देर हो जाना, बात आगे के लिए टल जाना, सैटर्न बताता है। हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, इंडोलेंस, सर्वेंट, जितने भी आपके लोग नीचे काम करते हैं वो सब शनि। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं झाड़ू पोछा लगाता है, बर्तन मांजता है ना, जो आपके एम्प्लॉयज है आपके नीचे काम करते हैं ऑफिस में, वो भी शनि। हेल्थ में चिन, फीट, बटक्स, हिप्स वाला रीजन जो है, एनस, नीज, फोर लेग, फीट, डाइजेस्टिव ब्लैडर, विंडी एंड गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज, जो भी गैस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वात रोग जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, वो सब शनि में जाएंगे। वास्तु में वेस्ट कॉर्नर बताता है, वीनस का कलर नहीं रह गया था, वीनस का कलर होता है पिंक, व्हाइटिश पिंक, क्रीम कलर, ये सब वीनस बताता है। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या कहा, सैटर्न कौन सा कलर बताता होगा, ब्लू एंड ब्लैक, डार्क ब्लू, ब्लैक कलर, ये सब शनि के। वो नीली सी दीवार आपने डार्क नीली कर दो, वो शनि। स्टोर रूम फॉर प्रोविजन, स्टोर रूम जहां पर बनाया आपने वो सैटर्न। अब पुराने जमाने में जो स्टोर रूम होता था उसमें गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सब रखते थे, वो ठीक था, वो शनि है। डंप यार्ड, कचरा फेंकने के, डस्टबिन, डस्टबिन में राहु भी होता है, शनि भी होता है। ग्राइंडिंग स्टोन, मोटार एंड पेसल, डाइनिंग हॉल, जहां पर भी डाइनिंग टेबल रखी रहती है, कुर्सियां लगी रहती चार, वो जगह शनि हुई। जहां पर भी डाइनिंग टेबल आपने रख दी, वो जगह शनि। डाइनिंग टेबल कहाँ रखी आपने, ईस्ट में रख दी, सन प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, फैमिली में रिलेटिव, क्योंकि डाइनिंग टेबल ईस्ट में पड़ी हुई, इसी कुंडली में सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, डाइनिंग टेबल ईस्ट में रख दी, क्योंकि सूर्य ईस्ट में बताता है, सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है, हो सकता है डाइनिंग टेबल आपने रख दी नॉर्थ वेस्ट में, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सैटर्न डाइनिंग टेबल है जहां बैठ के खाना खाते हो, क्योंकि सैटर्न प्राइमरीली वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, इसलिए कहा जाता है वेस्ट डायरेक्शन में डाइनिंग टेबल लगाओ, वेस्ट में बैठ के खाओ, खाना अच्छा पचेगा। वूलन क्लोथ, सर्दियों के कपड़े, आयरन जिसे प्रेस करते हैं, लेड, लेड, वर्लिंग विंड जहां हवा का झोंका तेज, स्टॉर्म, ऑल माइंस, ये सब सैटर्न। एनिमीज कौन है, मंगल, केतु, सूर्य, मून, इनके साथ में अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया, जो
पड़ेगा होता क्या, अगर मून के साथ बना दिया, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपने डाल दिया डाइनिंग टेबल, प्रोफेशन में बहुत सारे बदलाव आए। आप देखेंगे जल्दी जल्दी नौकरी बदलता है, ट्रांसफर होते रहते हैं, पर जिसकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन होता है समाज वहीं पड़ा रहता है असल में। या आपने डाइनिंग टेबल कहाँ रख दी, साइड के साथ देखो क्या बैठा हुआ है, उस डायरेक्शन में रख दी। जगह वहां मिलती है उसको। राहु पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा दादी दिखाते हैं राहु आपके। फॉरेन कंट्री विदेश कौन भेजता है, राहु विदेश कौन है, राहु एलियन। राहु एलियन का मतलब जिसको हम जानते नहीं, तो फॉरेन कंट्री हो सकता है, फॉरेन व्यक्ति हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल, स्मगलिंग, करप्शन, थेफ्ट, इलीगल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, जुआ, ये सब राहु बताता है। एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस, पिक, बड़ी सी चीज, राहु लार्ज, मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, मल्टी नेटवर्क कंपनी हो, सब चीजें रहा, मल्टीनेशनल कंपनी हो, न्यूमरस व्हील्स जो कोई टायर वायर का काम करते हैं, रहा हेड, क्लाउड्स, ये सब चीज रहा बताता है। प्रोफेशन में सीबीआई ऑफिसर, डिटेक्टिव एजेंसीज, डिफेंस, शेड रिलेटेड प्रोफेशन सच एज फोटोग्राफी, टीवी, सिनेमा, सिनेमा हॉल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, फॉरेन कनेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, एमएनसी में काम है, सब रहा। जियो में मोबाइल नेटवर्क कंपनी में काम करता है, पैथोलॉजिस्ट है, सब राहु। जो दिखाई नहीं देती सब राहु। हेल्थ में माउथ आपका जो मुंह वाला इलाका जिससे फूड एनगल्फ करते हैं वो राहु। ईयर्स कान, लिप्स, इंटेस्टिन्स, रेक्टम, टेस्टिकल्स राहु से देखी जाती है। कैंसर अनआइडेंटिफाइड, जो बीमारी का पता ना लगे, सारी टेस्ट करा ली बीमारी पता नहीं करी, वो राहु से देखी जाती है। सारी टेस्ट कर ली पता नहीं चल रहा बीमारी क्या है, राहु। कैंसर, क्योंकि कैंसर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, लगातार सेल्स डिवाइड करते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, उसको कैंसर कहते हैं। राहु मतलब एक्सपेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिग लार्ज थिंग, तो कैंसर का कारक राहु। वास्तव में साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर जिसको निरुति कहते हैं वो राहु बताता है। राहु कोई ग्रेइश सा कलर बताएगा, ग्रेइश, डार्क ग्रेइश कलर राहु। मेन एंट्रेंस जहां से घर में घुसते हैं ना वो राहु, जो मेन गेट है वो राहु, मेन डोर, ओल्ड हाउस, पुराना डिलैपिलेटेड घर, डिलैपिलेटेड वॉल, टूटी फूटी दीवार, क्रैक आ रहे हैं उसके अंदर वो राहु। ब्रोकन वुडन फ्रेम्स ऑफ डोर, डोर के वुडन फ्रेम्स टूट गए, लकड़ी राहु होती है, खिड़कियों के टूट गए राहु। सन और मून, क्योंकि खिड़कियां होती हैं उनकी लकड़ी टूटी हुई है, तो सन प्लस राहु, मून प्लस राहु बन जाएगा। बच्चों को तकलीफ होगी, विद बच्चे विदेश चले जाएंगे। क्रैक इन द वॉल, वॉल में कोई क्रैक है, सीलन आ रही है, सब राहु। वास्तु में बहुत चीज बताता है, ब्रोकन आर्टिकल्स और डैमेज थिंग्स, टूटी फूटी चीजें जितनी भी है, कबाड़, इसलिए कहते हैं घर में टूटी फूटी चीजें मत रखो, वो राहु होती। स्केफोल्डिंग, स्केफोल्डिंग हमने बताया था कि कोई नया मकान बनता है या पेंट होता है तो इस तरह से उसकी बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं, जिसपे वो चढ़ करके मजदूर काम करते हैं, वो स्केफोल्डिंग राहु होती है। उसमें जो धागे बांधते हैं बीच बीच में, वो धागे केतु होता है। डार्क रूम, अंधेरी जगह, रोशनी नहीं आती, राहु शनि बताता है। स्मोक रूम, सिगरेट वगैरह पीने के लिए। बिग हॉर्न टावर, एग शेप, कोई भी चीज जो अंडाकार है, एग शेप्ड है, वो राहु बताता है। डेजोलेट रीजन, डेजर्ट, वाइड रोड, चौड़ी सी, आप घर के आगे 40 फीट की रोड है, 80 फीट की रोड है, वो चौड़ी रोड राहु, मेरे ये जुपिटर साथ राहु है, मेरे घर के आगे 40 फीट की रोड है, चौड़ी रोड है, आपके घर के आगे जुपिटर राहु हो सकता है। राउंड सर्कल, कोई कुआ है, गोलाकार चीजें, अंडाकार चीजें, वो राहु। राउंड शेप, डार्कनेस, वास्टनेस, स्मोक, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, शेड, अम्ब्रेला, राहु होता है। रूफ ऑफ द हाउस, जो घर की छत होती है, टेरेस होती है, वो राहु। पॉर्टिको एंड कार शेड्स, कार शेड इसलिए हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना सकते हैं क्योंकि वो राहु। व्हील्स, जिसकी टायर जैसी शेप है। बिग साइज कॉपर वेसल्स, बड़ी बड़ी कॉपर की वेसल, कॉपर के घड़े, वो राहु। आयरन पैन्स, आयरन पैन जिसपे आप तवा कहते हैं, वो सैटर्न प्लस राहु। फ्राइंग पैन्स, बिग वेसल्स, सरकमफेरेंस ऑफ अ व्हील, उसका गोलाई जो है व्हील, वो राहु। प्लेइंग ग्राउंड, ओपन और एम्प्टी स्पेस, जैसे कोई पार्क है, खुली मैदान है, खुला जगह है, छत इसलिए है क्योंकि खुला हुआ है, राहु। वाइड ओपन स्पेस, रॉक्स ऑफ वेरियस वेराइटीज, टनल्स, केव्स, लॉग्स ऑफ वुड, ये सब जो लकड़ी के डंडे आते हैं वो सब राहु। मॉस्क, मॉस्क मतलब कोई आपके घर के आसपास मस्जिद हो, राहु। ग्रेवे, किसी के जुपिटर राहु, घर के आसपास मस्जिद भी मिल जाएगी। ग्रेवयार्ड, टॉन बेड्स, टूटे फूटे पलंग वगैरह। लार्ज एंड बिग डिग्स विदाउट वाटर,
नालियां जिसमें पानी ना हो, सूखी हुई नालियां, बिग इन साइज, ओपन टेरेस, टॉप स्प्रेड ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ऊपर बड़ा सा ऊपर इलाका होता है जहाँ पेड़ ही पेड़ के ऊपर टहनी टहनिया होती, पूरा ड्राइड वुड, रबर, सब चीजें राहु सिग्निफाई करता है। और भी प्लास्टिक, प्लास्टिक का काम करता है, रबर का काम करता है, सब राहु। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है क्योंकि टैक्स लाइक वीनस, हमने कहा ज्वेलरी तो वीनस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेड ज्वेलरी राहु। ड्राइड लेदर, गोडाउन, कॉफी शेड, बिग रोब, लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स, सांप, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, माउथ ऑफ स्नेक, कंपाउंड वॉल, सब राहु होता है। ठीक है, एनिमीज कौन है? मून, मार्स, सन। इनके साथ आप अगर राहु को जोड़ोगे तो तकलीफ हो सकती है। मून के साथ राहु है, घर के अंदर पैरानॉर्मल एनर्जीज, डर लगना, वहम होना, सपने आना अजीब से हो सकता है। मार्स के साथ में राहु एक्सीडेंट करा सकता है, चोट लग जाएगी, गिर पड़ सकते हैं। सन के साथ राहु डिपेंड करता है करते क्या हो, सन के साथ राहु फोटोग्राफी की तरफ ले जा सकता है, नेम फेम दे सकता है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। वैसे बच्चा मेल चाइल्ड होने में तकलीफ हो सकती है, मेल चाइल्ड को हेल्थ इश्यूज रह सकते, मेल चाइल्ड फॉरन जा सकता है, अलग अलग बात। केतु, केतु क्या बताता है? मैटरनल ग्रैंडफादर, हमारे जो नाना जी है, नानी जी है, केतु बताए। लॉ, लॉ के दो कारक है, मंगल, केतु। इनके साथ अगर मर्क्यूरी जुड़ा हुआ है जो एजुकेशन का कारक है, लॉ कर सकता है। मेडिकल, केतु सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, बी फार्मा, डी फार्मा, केमिकल्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी केतु, मर्क्यूरी केतु, हमने कहा जुपिटर केतु, मर्क्यूरी केतु, सैटर्न केतु, इन तीनों में से अगर एक कॉम्बिनेशन भी है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजी बन सकते हैं, और होता ही जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे सब। रिलीजन, अकल्टिज्म, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, टेम्पल, एंडोमेंट, लॉ, लॉयर, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्प्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, केयरलेसनेस, स्पिरिचुअल सेल्वेशन, मोक्ष केतु देता है। सेफ्रॉन क्लॉथ, मतलब कोई केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं, वो केतु। इम्प्रिजनमेंट केतु, केतु का रंग क्या होगा? केतु का ऐसे कोई कलर नहीं होता, चित कपड़ा सा, मतलब अलग अलग दीवार पर अलग अलग रंग करा दिए, वो हो सकता है केतु। हेल्थ में सेफ्रॉन कलर क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो सेफ्रॉन केसरिया रंग मान सकते हैं केतु। ऑरेंजिश येलो, हेल्थ में नेल, हेयर, बियर्ड, दाढ़ी जो है केतु से देखी जाती है, नर्व्स, एनस, पेनिस, वेजाइना, ये केतु। हालांकि वेजाइना इज राव, ठीक, इसमें लिखा है। वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को केतु सिग्निफाई करता है, स्टेयर केस, सीढ़ियां केतु है, चिमनी, हमने कहा जहां से राहु निकल सकता है वो जगह केतु, तो धुआं राहु है तो चिमनी से धुआं निकल जाता है। वेंटिलेटर, स्काईलाइट, स्काईलाइट मतलब रोशनदान, आपका एक घर की दीवार है, दीवार के अंदर एक रोशनदान लगा दिया, इसमें से रोशनी आती है सूर्य की, तो रोशनदान जो है स्काई, स्काईलाइट, वो केतु। बैक एग्जिट, घर का पीछे का निकलने की जगह, नैरो रूम, कोई पतली सकड़ी जगह जहां पे सिर्फ एक लोग, दो लोग चल सकते हैं, वो केतु। नैरो लेन, लेन्स, ड्रेन्स और ब्रिजेस, नालियां, केतु। सीवेज और डर्टी वाटर, बाथरूम, एंटी हिल्स, एंट हिल्स मतलब वो चींटियों का पहाड़ बन जाता है, वो केतु। थ्रेड, वायर, रोप, स्ट्रिंग्स, रस्सी नुमा चीजें केतु होती है। स्विंगिंग, जो किसी ने घर में झूला लगा रखा है, स्विंगिंग मतलब आगे पीछे का मोशन, तो केतु और इस तरह का मोशन दोनों केतु बताता है। एक तो होता है फॉरवर्ड मोशन, आगे पीछे झूला झूल रहा है, एक होता है वर्टिकल मोशन, दोनों के दोनों केतु बताता है, स्विंगिंग वैंगिंग मोशन। काइंड ऑफ शॉर्ट, छोटी चीजें, स्ट्रेट, ड्राइड ग्रास, छोटी सी सूखी हुई घासें, केतु होती। क्रीपर्स, बेले, बंच ऑफ हेयर, घर में बाल का गुच्छा मिलता है बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ, वो सब केतु। रूट्स ऑफ हेयर, चेन, वेब और नेट, गटर, ड्राइड ग्रास, हर्ब्स, ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री क्या होता है, बरगद का पेड़, आपके घर के आगे लगा हुआ तो केतु, तुम परेशानी होगी। फ्लैग्स, हॉस्पिटल्स, प्रेयर हॉल, चर्च, चर्च इज केतु, चर्च रिप्रेजेंट द क्रॉस सिंबल, तो इट इज केतु, आपके घर के आसपास कुछ चर्च हो गया तो जुपिटर के आसपास केतु हो सकता है। ठीक है, रूट्स ऑफ ट्रीज, ट्रेल्स, टेल ऑफ अ स्नेक, एनिमीज कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, इनके साथ में केतु तकलीफ कर सकता है, सैटर्न के साथ खास कर है तकलीफ करेगा प्रोफेशन, वीनस के साथ है पैसे में, वाइफ के साथ डिस्प्यूट कराएगा, मर्क्यूरी के साथ है एजुकेशन, तो इनके साथ थोड़ी बहुत तकलीफ करता है केतु। क्या टाइप
डायरेक्शंस थी हमारी। अब अलॉटमेंट ऑफ रूम्स हम पढ़ते हैं, सिर्फ यही पढ़ेंगे आज, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। अलॉटमेंट ऑफ रूम्स की अब हम पढ़ लिया है कि कौन कौन से प्लैनेट क्या क्या बताते हैं, उस हिसाब से उस लॉजिक से कौन से, अगर आप बना रहे हैं घर अभी, जिसे किसी का बन चुका है तोड़वा नहीं सकते हम लोग, पर अगर आप अभी घर बना रहे हैं, आपके पास ये प्लॉट है ठीक है, इसके अंदर ये चार डायरेक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, अगर ये चार डायरेक्शन है आपके पास और उसके बाद हम ये कार्डिनल क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे हम लिख देंगे साउथ ईस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे साउथ वेस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट, यहाँ लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट, तो इन सभी डायरेक्शन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए अगर आप गया घर का नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। हाँ जी वन प्लस जी, एस्ट्रोलॉजी तो कम ही बनते हैं ना, बाकी तो लोग तो खराब ही है, एस्ट्रोलॉजी कितने लोग बन पा रहे हैं, शनि केतु वाले तो तकलीफ ही करेंगे, तकलीफ थी जब तो एस्ट्रोलॉजी बन गए, ईश्वरी बन जाते हैं सभी लोग। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम बनाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर और केतु के डायरेक्शन है, प्लेनेटरी लॉजिक ही लगाएंगे हम हर जगह। नॉर्थ ईस्ट हमने बताया जुपिटर द्वारा रूल किया जाता है और केतु द्वारा रूल किया जाता है, तो यहाँ पर हम पूजा रूम बना सकते हैं, पूजा रूम ही बनाना चाहिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स इस जगह से आती, क्योंकि जब हमने वो कार्डिनल क्रॉस भी पढ़ा था तब तो हमने कहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सारे देव ग्रह चले गए, जुपिटर भी आ गया, मार्स भी आ गया, मून भी आ गया, केतु भी आ गया, सन भी आ गया, तो सारे जो देव ग्रह होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं और सारे दानव ग्रह साउथ वेस्ट में चले जाते हैं, सैटर्न वीनस मर्क्यूरी राहु, तो सारी सारी डिवाइन एनर्जी जाती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स का एरिया, तो वहाँ पूजा रूम बनाना अच्छा होगा, स्टडी रूम बना सकते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर बैठ के पढ़ाई करें तो उनको डिवाइन कंटेम्पलेशन मिलता है, स्टडी रूम क्या होता है मर्क्यूरी, तो हमने जुपिटर प्लस मर्क्यूरी बना दिया, पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ने वाला बच्चा हो जाएगा। बेडरूम फॉर बैचलर्स, बैचलर्स के लिए अच्छा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ को नहीं सुलाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ मार्स वीनस होता है और मार्स वीनस यहाँ पे केतु की एनर्जी अगर इसमें बीच में डाल देंगे सेपरेशन करा सकता है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में केतु की एनर्जी होती है ना, और हमने हमेशा पढ़ा है मार्स केतु वीनस केतु खराब होता है शादी के लिए, इसीलिए हस्बैंड वाइफ को नहीं सुला सकते, बैचलर को कोई पढ़ने वाला बच्चा है स्टूडेंट है उसको उसको उसका बेडरूम बना सकते हैं, कुछ खराब भी नहीं, पर अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो मार्स वीनस है उनके बीच में केतु की एनर्जी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, वो खराबी कर सकता है, पूजा रूम के लिए बेस्ट जगह है। आप घर में कुछ और है, वो रेमेडियल वाला पार्ट है, यहाँ पे टॉयलेट है तो क्या करे, यहाँ पे ये है तो क्या करे, वो एक अलग चीज है, तोड़ तो नहीं सकते, तोड़ने में तो इतना खर्चा होता है, कोई भी नहीं तोड़ सकता। ईस्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है अगर आप नया घर बना रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में क्या बनाए, बाथरूम बना सकते हैं, बाथरूम क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सन द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, बाथरूम मून है, यहाँ पे वॉशरूम की बात नहीं कर रहे हैं, कमोड नहीं रखना है, खाली नहाने की जगह, नहाने वाला बाथरूम मून केतु होता है, सैटर्न सन मून केतु इतना खराब कॉम्बिनेशन नहीं, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मून सन गवर्नमेंट है, मून मतलब चेंजेस, केतु अपने आप में ध्वज है फ्लैग है, सन केतु अच्छा होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, मून मतलब ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट जॉब, ऐसा हो सकता है अगर ईस्ट डायरेक्शन में आपका सिर्फ बाथरूम, अगर आपने वहां पे टॉयलेट भी बना दिया तो इसमें राहु और जोड़ा है तो थोड़ी बहुत खराबी कर सकता है, ठीक है। विजिटर्स रूम, विजिटर्स रूम क्या होता है, मर्क्यूरी, तो आपने सन प्लस मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बनाया, जहां पे सोफा लगा हुआ है लोग आके मिलते हैं, ये विजिटर रूम है, जहाँ पे सोफे वोफे लगे हुए लोग आएंगे मेहमान तो यहाँ बैठ जाएंगे, तो ये सन प्लस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, वो सब चीज। स्टडी रूम, क्योंकि मर्क्यूरी है फिर से स्टडी रूम, तो सन मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, नेम फेम मिलेगा पढ़ाई के द्वारा, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सन मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन बिजनेस में नेम फेम ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। पूजा रूम बनाया जा सकता है ईस्ट के अंदर, क्योंकि जुपिटर प्लस सन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस, जीव है उसके आगे सन है, सन कारक है सक्सेस का, जुपिटर सन कॉम्बिनेशन इज अ कारक फॉर सक्सेस, तो किसी को नई अपॉर्चुनिटीज नई ग्रोथ नहीं मिल रही है तो ईस्ट डायरेक्शन में पूजा कुछ करेगा तो वो उस कार्य में सफलता लग जाएगी, नई अपॉर्चुनिटीज उसके रास्ते में आने लग जाएगी, तो जुपिटर प्लस सन का कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एरिया में क्या बना सकते हैं, हमने कहा साउथ ईस्ट एरिया रूल किया जाता है वीनस द्वारा, तो सबसे प्राइमरीली चीज जो वीनस द्वारा रूल की जाती है वो किचन है, किचन में वीनस और मार्स की एनर्जी होती है पर इसमें वीनस डोमिनेंट होता है, एक वाइफ की ज्यादा चलेगी हमेशा किचन के अंदर, वीनस डोमिनेंट है वहां पर, मंगल वहां पर सिर्फ वो आग जहाँ जल रही है वो एरिया मंगल है, बाकी सब वीनस है, हमने कहा किचन बनाया जा सकता है, उसमें जो आग जल रही है वो मंगल है, किचन
किचन अपने आप में वीनस, बेडरूम फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का बेडरूम को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी। तो ये वीनस प्लस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय वीनस, बच्चों के लिए बेडरूम बनाएंगे कुछ तकलीफ नहीं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए इसलिए नहीं बनाते, यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज्यादा डोमिनेट हो जाएगी, तो मेल एनर्जी थोड़ी सी वीक पड़ती है हल्की सी, तो उस मेल को थोड़ी सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं अगर साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम, साउथ में होना ज्यादा अच्छा होता है, तो मेल एनर्जी थोड़ी डोमिनेंट वहां ज्यादा रहती है, ठीक है। गेस्ट रूम मर्क्यूरी होता है, तो वीनस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन इन अपर फ्लोर्स, ऐसा है कि आपके दो फ्लोर है, डुप्लेक्स होम है, और नीचे वाली फ्लोर पे साउथ ईस्ट में किचन बनाया, हाँ उसके ऊपर वाली फ्लोर पे ऐसा हो सकता है कि आप एक गेस्ट रूम बना दें, वहां पर कोई मेहमान आए उसको सुला दें, क्योंकि वीनस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीनस की होती है, मर्क्यूरी गेस्ट होते हैं, इतना खराब नहीं। अच्छा ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी, इसके देवता होते हैं कुबेर, तो ये पैसे की जगह है, तो यहाँ पैसे को स्टोर करने के लिए कहा जाता है, तो हमने कहा ट्रेजरी और स्ट्रॉन्ग रूम, जहां पर पैसा रखते हैं, जहां पर तिजोरी होती है, सेफ होता है आपका, अलमीरा होती है जिसपे लॉक लगे होते हैं बहुत सारे, वो जगह जो है बताता है मर्क्यूरी, तो हमने कहा वहां पे आप तिजोरी बना सकते हैं, मतलब वीनस, क्योंकि मर्क्यूरी के डायरेक्शन में आपने वीनस मतलब ज्वेलरी रख दी, पैसा रख दिया, मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन अच्छा है, पैसे को लेकर के पैसा देता है, मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन। रीडिंग रूम, क्योंकि मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन, अच्छा रीडिंग रूम में मर्क्यूरी है पढ़ाई, और आपने मर्क्यूरी के डायरेक्शन में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ भी बुरा नहीं, बढ़िया। विजिटर्स हॉल, मर्क्यूरी के डायरेक्शन में विजिटर हॉल बनाओ, ठीक। ऑफिस रूम, ऑफिस का रूम बना सकते हैं आप वहां पर, क्योंकि ऑफिस अपने आप में मर्क्यूरी है, ऑफिस इज बिजनेस, ऑफिस इज मर्क्यूरी, ऑफिस है आपकी शॉप है उसका, जैसे घर के अंदर कोई घर की शॉप खोल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो अच्छा है। कंसल्टेशन रूम, जहां पर बैठ करके आप किसी को सलाह देते हैं, कंसल्ट करते हैं, वो जगह हो सकती है। विजिटर हॉल हमने कहा, जहाँ सोफे वोफे लगे हैं वहां पे आके लोग आपसे सलाह ले रहे हैं। गेस्ट रूम, सिटिंग रूम, सब मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की चीजें आप मर्क्यूरी के डायरेक्शन में डाल सकते हो। बेडरूम फॉर चिल्ड्रन, उसमें से बेड वीनस हो जाएगा, बच्चे मर्क्यूरी है, तो हमने कहा बेडरूम फॉर चिल्ड्रन मर्क्यूरी के डायरेक्शन में ठीक रहता है, नॉर्थ के अंदर बच्चे सो सकते हैं। साउंड थिएटर, कोई म्यूजिक सिस्टम आपने लगा रखा है घर के अंदर, सिनेमा हॉल, वो होम थिएटर बना रखा है, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना ठीक होता है। साउथ, साउथ डायरेक्शन मंगल द्वारा रूल की जाती है, मार्स, तो इसके अंदर हम मास्टर बेडरूम बनाते हैं, क्योंकि हमने कहा मंगल के डायरेक्शन में अगर बेडरूम होता है ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेल एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेंट होती है, हम बेडरूम के अंदर मेल एनर्जी थोड़ी डोमिनेंट हो ये ठीक रहता है, जनरली सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए भी, बच्चे होने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती, साउथ में बेडरूम होना चाहिए, ठीक है। मास्टर बेडरूम फॉर कपल, यहाँ पे कपल्स हो सकते हैं, बेड यहाँ पे वीनस है। किचन, कभी कभी अगर साउथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, पर हमने कहा साउथ ईस्ट में किचन ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि एक फीमेल एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है वीनस की, साउथ के अंदर मार्स थोड़ा डोमिनेंट है, वहां पे बेडरूम अच्छा होता है, इंटरचेंज कर सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों जगह चल जाता है, इतना बड़ी इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि मंगल आग है वहां पे, आग लगाओगे किचन में, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मून द्वारा रूल की जाती है, तो यहाँ पे पुराने जमाने में ग्रोसरी का स्टोर होता था, आपने आटा दाल चावल यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी किचन के अंदर नहीं रखते थे, बोलो अलग से एक कमरे में बोरे के बोरे स्टोर कर रखते थे, चीनी का कट्टा, आटे का कट्टा, वो जगह नॉर्थ वेस्ट बताता है। ग्रेनरी स्टोर, कैटल पेट्स का वहां पे आप रख सकते हैं, कुत्ते बिल्ली पाल रखे आपने नॉर्थ वेस्ट में, रख उनके लिए कमरा बना दो, डॉग हाउस बना दो, वो ठीक। बाथरूम, क्योंकि मून द्वारा रूल की जाती है, बाथरूम मून है, वो बनाया जा सकता है वहां पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर। स्टेयर केस, क्योंकि मून केतु और देव ग्रह इतना आपस में खराबी नहीं करते, स्टेयर केस सीढ़ियां कही जाती है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन से आप निकाल सकते हैं। सीढ़ियों के बारे में बहुत बातें की गई, सीढ़ी जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप, ये पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप जब आप चढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप चढ़ने पर आपका मूव साउथ फेसिंग होना चाहिए या वेस्ट फेसिंग होना चाहिए, इस तरह से सीढ़ी बनाई जाए, चाहे कहीं पर भी हो, जब सीढ़ी पे पहला स्टेप रखें तो आपका मुंह साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ होना चाहिए, दो सीढ़ी अच्छी है, ठीक है। आगे तेज किसी भी डायरेक्शन में घूम जाए, जैसे ये घूम गई, पर जब पहली सीढ़ी चढ़े तो वो साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग, तो ये सब चीजें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाई जा सकती है। वेस्ट, वेस्ट में क्या बनाएंगे, डाइनिंग हॉल वेस्ट में, क्योंकि हमने कहा सैटर्न की डायरेक्शन है, डाइनिंग हॉल बनाया जा सकता है, जहां पर बैठ करके डाइनिंग टेबल लगी हुई लोग खाना खा रहे हैं, वो जगह शनि ही रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न की डायरेक्शन में सैटर्न की चीज होना अच्छा है। स्टोर रूम बनाया जा सकता है, शनि स्टोर रूम को सिग्निफाई करता है,
पूजा रूम बनाया जा सकता है अगर करियर में तकलीफ आ रही है, क्योंकि हमने कहा शनि के डायरेक्शन है और जुपिटर पूजा रूम है, सैटर्न प्लस जुपिटर मीन्स जॉब, तो किसी की जॉब में ग्रोथ में तकलीफ है, जॉब नहीं लग रही कुछ दिन, हम अगर अब कहीं उसको 21-22 दिन पूजा यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में करना शुरू कर दे तो काफी अच्छे चेंजेस उसकी लाइफ में आ सकते, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन सैटर्न द्वारा रूल की जाती है, हम इसमें जुपिटर क्रिएट कर रहे हैं, सैटर्न प्लस जुपिटर इज महाभाग्य योग, बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट कैन एवर एग्जिस्ट इन पीएन, महाभाग्य योग। साउथ डायरेक्शन में अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जुपिटर क्रिएट करते हैं प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, हाँ इंसान लेजी हो जाएगा वो एक अलग बात है, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन, पर प्रोफेशनली उसको ग्रोथ मिलेगी पक्का। साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु द्वारा रूल की जाती है, इसके अंदर क्या बनाया जा सकता है, बेडरूम फॉर एल्डर्स, क्योंकि दादा दादी को राहु रिप्रेजेंट करता है, जो आपके घर के सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं उनको आप साउथ वेस्ट में सुला सकते हैं, उनके लिए कमरा बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, हालांकि ऐसा कहा जाता है हस्बैंड वाइफ के लिए बनाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्स वीनस हस्बैंड वाइफ उसके साथ राहु आना ये कॉम्बिनेशन खराब माना जाता है अफेयर वगैरह के लिए, इसीलिए यहाँ पे एक्सेसिव रोमांटिकनेस आ सकती है, ज्यादा ही सेक्सुअली इंक्लाइंड हो जाए, सेक्सुअल इंक्लाइनेशन हो, बाहर जाकर भी अफेयर करें ये संभावना बन जाती है, मार्स वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, अगर कपल का बेडरूम यहाँ बना दे, मार्स वीनस राहु कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड फॉर दीज थिंग्स, फॉर अफेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मल्टीपल अफेयर्स कैन बी देयर। ओके, हैवी मटेरियल एंड इक्विपमेंट, भारी सामान जितना भी है आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा नॉर्थ ईस्ट से जो डिवाइन एनर्जी आ रही है वो जानी चाहिए साउथ वेस्ट में और यहाँ रुक जानी चाहिए, साउथ वेस्ट में जाकर के डिवाइन एनर्जी रुक जानी चाहिए, यहाँ पे भारी सामान रख दें तो ज्यादा अच्छा, साउथ वेस्ट ऊंचा हो नॉर्थ ईस्ट से भी अच्छा होता है, साउथ वेस्ट ऊंचा हो उठा हुआ हो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा नीचे हो तो एनर्जी बाहर जा नहीं पाएगी, तो आपकी घर में रहेगी। ब्रोकन फर्नीचर रख सकते हैं यहाँ पे, टॉयलेट मतलब स्टोर रूम बना सकते हैं, टॉयलेट यहाँ बनाया जा सकता है, कोई कहता है टॉयलेट कहाँ बनाए, साउथ वेस्ट अच्छा, अब आजकल अटैच टॉयलेट हो गए, अटैच टॉयलेट के लिए भी इसमें बताया गया कि आप हर एक कमरे का अलग वास्तु कर सकते हैं, जैसे एक कमरा है आप इसको पूरे घर से सेपरेट रीजन मानो, अब इस कमरे का जो साउथ वेस्ट है, जैसे इस कमरे का सेंटर ये हुआ, इस कमरे का साउथ वेस्ट जहां पर भी जाएगा जैसे यहाँ जाएगा तो वो जगह पे आप टॉयलेट बना सकते हैं, अटैच बनाना हो तो हर कमरे का साउथ वेस्ट वो देखा जा सकता है, क्योंकि हर जगह अटैच टॉयलेट बनने लगे, हर कमरे का साउथ वेस्ट, क्योंकि हर जगह का अपना वास्तु होता है, हर कमरे का अपना एक वास्तु होता है, हर घर का अपना वास्तु होता है, शहर का वास्तु होता है, हर जगह का अपना वास्तु। पूजा रूम देखो, पूजा रूम जो है साउथ वेस्ट में साउथ इंडियन लोग खास करके बनाते हैं, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा, एकदम से आप गिर पड़ जाओ, बहुत तेज चोट लग जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं, पर ये अपॉर्चुनिटीज भी देता है, सक्सेस भी देता है, पैसा भी देता है, इट इज अ काइंड ऑफ राजयोग, आप देखें साउथ इंडिया में लोग बनाए रखते हैं जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, पर उनके शॉप्स पे तस्वीरें भी लगी रहती है जिसपे हार चढ़ा हुआ होता है, 50-50 60-60 लोगों साल 40-40 साल के लोगों की, क्योंकि जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकता है सडन डेथ, एकदम से कुछ बुरा हो जाए, पर पैसा देता है, नई अपॉर्चुनिटीज देता है, ये बात ठीक है। ठीक, बिग कॉट, कॉट कहते हैं जो पालना, बच्चे जिसमें पालते हैं वो अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो राहु प्लस वीनस कॉम्बिनेशन, बेड लगाया आपने तो राहु प्लस वीनस बन गया, ये देखो ऐसा भी है, देखो स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम ठीक है, इसके पास में यहाँ पे मास्टर बेडरूम जहाँ पर हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा ये स्टोर रूम है, यहाँ मास्टर बेडरूम है, और ये दोनों चीजें साउथ वेस्ट में है, अब ये क्या बना, स्टोर रूम होता है सैटर्न, मास्टर बेडरूम होता है वीनस, और साउथ वेस्ट है तो राहु, इट्स गुड, पैसा आएगा, गुड नो, सैटर्न वीनस राहु पैसा तो आ रहा है प्रोफेशन से, बिल्कुल बहुत सारा पैसा आएगा, हाँ यहाँ मंगल भी है, हो सकता है वो टेक्निकल इंडस्ट्री से आ रहा हो, बट ना मंगल थोड़ी बहुत परेशानी करेगा, पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आज इतना ही करेंगे, नहीं तो बहुत सारा अगली क्लासों में देखेंगे, कुछ सवाल बताएं। सवाल है भूपेंद्र जी बोले।
नमस्कार जी। साउथ क्या वेस्ट में तो वैसे अच्छा नहीं बताते ये, वैसे आर्किटेक्ट जो है नहीं बताते? टॉयलेट भी, यहाँ टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अब कहीं तो हाँ जी बनाएंगे, साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन है, राहु टॉयलेट, अब यहाँ तो बनाना ही पड़ेगा। वो तो अलग डिग्री निकालते हैं एक और अलग से। हाँ हाँ, वो साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं, जी हाँ जी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, वहां पे बना सकते हैं। तो वो साउथ वेस्ट मतलब हम अगर आठ डायरेक्शन लोगे तो वो साउथ वेस्ट में पड़ेगा। वो 190 जी डिग्री से लेकर के 215 डिग्री के बीच में आता है, साउथ साउथ वेस्ट वहां बनाया जाता है। तो यहाँ नेगेटिव कहाँ पे है फिर क्या नेगेटिव साउथ साउथ? वेस्ट में? इसलिए इतना बुरा नहीं है, अगर यहाँ टॉयलेट है तो राहु की दिशा में टॉयलेट हो सकता है, कुछ खराब साउथ नहीं। ईस्ट बुरा है ना जी, साउथ ईस्ट बुरा है ना जी। साउथ ईस्ट में भी इतना बुरा नहीं है, साउथ ईस्ट वीनस होता है, वहां पे राहु बनाओगे इतना बुरा नहीं है। हाँ, अफेयर लेकिन वगैरह के लिए बुरा वो हो सकता है। ये कहते हैं ना जी, अग्निकोण में पानी आ गया ऐसे कहते हैं ना हाँ, वीनस की जी भी एनर्जी है, मून वीनस राहु, पैसे खाली हो जाएगा, बैंक बैलेंस आएगा, पर पैसा ऐसा हो नहीं सकता, पैसा ना अच्छा आए, कर्जा भी होगा, डूब जाएगा, वो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, पर पैसा आता रहेगा खूब सारा, इसमें कोई शक नहीं। जी, मैं तो उनको यही बोलता हूँ, मैं गीजर भी तो लगे होता ही वहाँ अग्निकोण में हर जगह पानी है, किचन में भी तो पानी रखते हैं। जी। ठीक है जी, थैंक यू। कलर वलर पड़ेंगे वन प्लस जी, कलर वलर आए। नो नो रागिनी जी, वी कैन नॉट मेक किचन इन एवरी रूम। किचन क्यों बनाना है हर रूम में? आपको पीजी बोल रखा है तो एक अलग बात है, पर मत कौन ही बनाता है किचन। नहीं रागिनी, जब तक कलर ना पड़े मत करना, कलर हम पढ़ेंगे अच्छे से। वो कलर मैं ये प्लेनेट के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं वो एलिमेंटल थ्योरी से पढ़ाऊंगा, कलर हम पढ़ेंगे। जी बताएं। जी हेलो सर, हेलो हाँ नमस्ते सर। सर, नॉर्थ ईस्ट में मेरा किचन है, उसका उसका क्या उपाय है? होना नहीं चाहिए ऐसा है कि ना? उसमें जुपिटर मतलब शादी में तकलीफ होगी थोड़ी सी, जुपिटर मार्स वीनस और केतु ऐसा हो गया। ये अच्छा तो ये मार्स और वीनस के बीच में जब केतु जाएगा तो ये शादी में तकलीफ करता है, और कुछ नहीं। सर, इसका उपाय कुछ? इसका उपाय इनके बीच में पीला रंग कराओ, पीला। पीला रंग? अच्छा सर, और माइक्रोवेव है जैसे मेरे फिल्टर के पास, तो उसके बीच में पीला पीली टाइल लगवा दो उसके किचन में? बीच अच्छा में। हाँ ठीक है, जैसे पूरे जगह नहीं कराना पीला रंग, नॉर्थ ईस्ट में कलर हम बताएंगे कौन से डायरेक्शन में क्या कलर कराते हैं, पर जैसे गैस बर्नर रखा हुआ है ना, उसके नीचे आप एक पीला रंग इसके आसपास करा सकते हैं, इस गैस बर्नर के नीचे पीला रंग करा दें, वो कराएं। वहाँ हालांकि हम ये पढ़ेंगे रेमेडी वाले पार्ट में कि यहाँ पे क्या है तो क्या करेंगे, वो अब उस पर ध्यान रखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बुलवाएंगे नहीं कुछ सज्जन नाजी। सर उस दिन आपने बोला था ना कि पितृ भगवान का अपना साउथ डायरेक्शन में रखने का, साउथ और साउथ वेस्ट छोड़ के, ठीक है? तो उसमें क्वेश्चन ये होता है, अपने घर में तो चार ही दीवार होते हैं, साउथ और वेस्ट, तो वेस्ट दीवार में साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है या साउथ दीवार कौन में कौन वेस्ट क्या क्या डायरेक्शन? रखना है, क्या रखना है? जैसे पितृ का फोटो, पितृ का फोटो साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट ना, तो साउथ साउथ दीवार में वेस्ट डायरेक्शन में रखने का या वेस्ट नहीं दीवार नहीं में साउथ डायरेक्शन? साउथ दीवार पे लटकाएंगे, वो फेसिंग नॉर्थ होगा। अच्छा, साउथ दीवार में फेसिंग नॉर्थ एंड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट साइड, वेस्ट हाँ, साइड। साउथ वेस्ट जो इलाका है वो जो साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, अच्छा ये सर, साउथ तो वेस्ट है, हाँ जैसे यहाँ पे साउथ है यहाँ वेस्ट है, ये सही एरिया साउथ बिल्कुल, वेस्ट हो गया, यहाँ पर यहाँ टंगा दो। तो मतलब साउथ दीवार पे लगाएं और वेस्ट वेस्ट पार्ट पे, है ना? नहीं, वेस्ट पार्ट पे नहीं लगाएंगे, साउथ वाली दीवार पे लगाएंगे, ये साउथ फेसिंग वाले, तो अच्छा, नॉर्थ में होगा, यहाँ तो नॉर्थ आएगा, तो साउथ दीवार पे कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं नहीं लगा सकते, यहीं लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, यहीं अच्छा लगेगी अच्छा साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, तो लगभग 225 डिग्री के आसपास। अच्छा अच्छा साउथ, आपने जो सर्कल किया वहां लगाना है। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। और सर एक और बात, जैसे मेरा किचन जो है घर के सेंटर में ईस्ट डायरेक्शन में, अच्छा किचन अगर ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो पिताजी बहुत पैसा कमाते होंगे, पर पिताजी के बीमार भी रहते हैं। यस यस एब्सोल्युटली राइट। ईस्ट डायरेक्शन मतलब सन किचन वीनस है, सन वीनस पैसा कमाएंगे पिताजी, पर वहां हाँ, अभी मंगल वो भी आ तो गया। उनका उनका तो देहांत हो गया अभी,
हाँ तो लेकिन आपने बराबर उनकी बोला दिल दिल की तकलीफ थी क्या, हार्ट प्रॉब्लम, हाँ, उनको बहुत सारा बीमारी था। हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत बहुत मार सारा मार बीमारी। सन आ गया ना, तो हार्ट की बीमारी कर सकते। तो उसमें क्या कलर वगैरह और रेमेडी भी आप बताएंगे। हाँ कलर वगैरह कौन से करने चाहिए क्या पे, अगर किचन सारी डायरेक्शन में किचन है तो क्या करेंगे, सारी डायरेक्शन में बाथरूम है तो क्या करेंगे, वो वो सब आप रेमेडी बताएंगे। में हाँ बताना। वो बताएंगे, क्योंकि ठीक है, थैंक यू बाथरूम सर। लोग 10-10 बाथरूम है घर में आजकल, क्या करें। यस सर। सीट में बैठना चाहिए कुछ है, ये सब नहीं सोचता मतलब, इसका क्या करना। हस्बैंड वाइफ की फाइट होती है तो नॉर्थ ईस्ट या केतु आना चाहिए ना, जैसे आगे वाली स्लाइड में था ये सब चीजें, पर आज का समय हो गया तो अगली बार बताएं। लंबा की जाएगा ऐसे तो, धीरे धीरे चल रहा है, भूपेंद्र जी बोले। सर सीट, जैसे हम सीट पर बैठते हैं टॉयलेट में, तो फेस किस साइड होना चाहिए हमारा, कुछ ऐसा है? हाँ जी, कुछ इतना इतना सोच थोड़ी सकते हैं, हालांकि साउथ वेस्ट में लगाना तो वेस्ट फेसिंग हो तो अच्छा है। हाँ वेस्ट की तरफ फेस हो हमारा तो अच्छा है। हाँ जी अच्छा जी, एक चीज और है, हमने ना साउथ साइड में एक ग्रीन जाली लगा दी थी जो सनशेड से मतलब धूप को रोकती है ना ये थोड़ी। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई होगी, लगानी नहीं चाहिए जी, बुद्ध की होगी ना ये, है ना? ग्रीन कलर बुध होता है ना, साउथ मंगल है, मंगल बुध, पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। फिर किस रंग की लगाएं जी? लाल रंग की लगाएंगे। लाल तो मिलती हरी है जी या नीली मिलती है। नीली सैटन मार्स हो जाएगा, तो नीली लाल लाल मिल जाए, या फिर वो लकड़ी जैसी मिलती है, लकड़ी कलर की हाँ जी हाँ जो नेचुरल होती है, बैम्बू वाली, नेचुरल जी हाँ चीजें जी असर नहीं डालती, जैसे लकड़ी लगा दी ना वो नेचुरल हो गया ना, जो भी चीज नेचुरल होती है वो इतना असर डालती है, तो वो लगा सकते। बस वो तो उतार के रख दी फिर जी, मैं वहम सा पड़ गया था मैं क्या आने तो धूप तो अच्छी होती है, धूप को रोकना नहीं चाहिए, राहु होता है धूप को जो रोकता है। तो आगे लगा सकते हैं नॉर्थ साइड में, लगा सकते। नॉर्थ में धूप कहाँ आती है? नहीं नॉर्थ साइड में हम लगा सकते हैं वैसे जाली। हाँ नॉर्थ साइड में ग्रीन कलर लगा सकते हैं, नॉर्थ साइड में लगा सकते। अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट खाली छोड़ दीजिए नागिनी जी, क्यों? नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, मतलब खाली मतलब हाँ सामान वगैरह नहीं रखना चाहिए, पूजा रूप तो होगा, बच्चे पढ़ सकते हैं वहां पे, सब चीजें कर सकते हैं, बच्चे सो भी सकते हैं, कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा। पब्लिक क्लास में बहुत सारा है, देखो ये कौन कौन से डायरेक्शन में गलत क्या बन जाता है, वास्तु दोष कैसे क्रिएट होते हैं वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद लोकेशन, अगर शॉप की बिजनेस की कहाँ है तो क्या होगा, लोकेशन आपके घर के आसपास क्या होगा कुंडली के हिसाब से, बहुत सारी चीजें तो इसी में भी रह गई है, फिर रेमेडीज पे तो बहुत देर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लें। शुक्रिया क्लास में आने के लिए, मिलते हैं अगले थर्सडे को हम लोग अपनी क्लासेस में, ठीक है, बाय।